Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are all doing well. If you are new to this channel, then do subscribe it to get all the notifications of my videos. I'll try my level best to give you all the information through my videos, so please stay connected with it. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम द सन्स ऑफ रामगुरु रिटन बाय सुकुमार रे फ्रॉम पॉपुलर लिटरेचर. तो इस पोयम को शुरू करने से पहले हम ज़रा थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है. तो जो पोएट है सुकुमार रे, ही वॉज बंगाली राइटर एंड पोएट फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ही इज़ रिमेम्बर्ड मेनली फॉर हिज राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रन. तो ये एक बंगाली राइटर थे और पोएट भी थे, यानी ये पोएम भी लिखा करते थे और जो भी इनकी राइटिंग्स थी वो भी लिखते थे. और वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए याद किए जाते हैं, तो वो है चिल्ड्रन लिटरेचर. तो अब हम जानेंगे कि चिल्ड्रन लिटरेचर क्या होता है. तो इसमें जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, मैगज़ीन, पोएम या फिर जो भी स्टोरीज़ वगैरह लिखी जाती है, उन सबको बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही लिखी जाती है. क्योंकि ये चिल्ड्रन लिटरेचर है तो इट शुड बी लिरिकल, फैंटसीज और थोड़ी सी नॉनसेंस चीज़ें जो बच्चे इमेजिन करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चिल्ड्रन लिटरेचर को फॉर्म किया जाता है. येस, बट इट शुड हैव सम मोरल एटीट्यूड एज वेल. क्योंकि ये जो लिटरेचर है जो बच्चों के लिए लिखा जाता है, इसमें कुछ चीज़ें उनको सिखाने के लिए भी होती है, ताकि उनको कुछ सीखने को मिले. एंड ही वॉज द सन ऑफ अ वेल नोन बंगाली राइटर उपेंद्र किशोर रे चौधरी. और उनके जो फादर थे सुकुमार रे के, वो भी एक अच्छे राइटर थे, बंगाली राइटर थे और बहुत ज़्यादा फेमस भी थे. हु वॉज अ राइटर एंड वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द टेक्नोलॉजीज एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिंटिंग. और उनको ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो भी चीज़ें ना टेक्नोलॉजिकल जो वो यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में, और जो भी प्रिंटेड चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें इलस्ट्रेशंस वगैरह, उन सबको यूज़ करते थे. सुकुमार रे ऑल्सो बिकेम अ फेमस राइटर एंड इलस्ट्रेटर एज वेल एज अ फोटोग्राफर. और जो सुकुमार रे हैं, ये एक फेमस राइटर तो बने ही, इसके साथ साथ वो इलस्ट्रेटर भी बने और फोटोग्राफर भी बने. अब इनकी जो पोएम है, जो भी चीज़ें ये लिखते हैं, जो भी अपनी राइटिंग्स लिखते हैं, इसमें वो इलस्ट्रेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, फोटोग्राफीज़ की ज़्यादा यूज़ करते हैं. और इनके जो भी कंटेंट्स हैं वो सारे लुइस कैरल से मैच करते हैं, क्योंकि जो भी लुइस कैरल जो भी टेक्नोलॉजीज अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं, जो भी इलस्ट्रेशंस यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, इन दोनों की ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सिमिलर हैं. तो जो सुकुमार रे हैं, हम उनको इंडियन लुइस कैरल भी कह सकते हैं. चलिए, यहाँ तक तो हमने समझ लिया पोएट के बारे में, जो कि थे हमारे सुकुमार रे. अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, इनकी ही लिखी गई पोएम, जो कि ट्रांसलेटेड पोएम है, ठीक है. लिखी गई थी ये बंगाली लैंग्वेज में, लेकिन इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए ये एक ट्रांसलेटेड वर्क है. अब हम इसको समझेंगे. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पोएम को, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस पोएम को मैं ईजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ. तो सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझिए, द सन्स ऑफ रामागुरु. अब यहाँ पे कोई रामागुरु फादर नहीं है और इनके कोई बच्चे नहीं है, कोई बेटे नहीं है, ठीक है, सन्स नहीं है. अब ये जो टॉपिक है द सन्स ऑफ रामागुरु, ये किस लिए पढ़ा, इसका मतलब है कि रामागुरु एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ठीक है, नकली कैरेक्टर है, और जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं. और वो क्या है कि कभी हंसना नहीं है, कभी खुश नहीं होना है, क्योंकि जो इंसान है, जो ह्यूमंस हैं, वो सबसे ज़्यादा दुख को फेस करते हैं, दुख को एक्सपीरियंस करते हैं खुशी से ज़्यादा. तो इसलिए इनके प्रिंसिपल्स ये हैं कि कभी हमें खुश नहीं रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा दुखी ही रहें. और ये किसके प्रिंसिपल्स हैं, जो कि रामागुरु है उनके प्रिंसिपल्स हैं. और सन इसलिए यूज़ किया गया है, जो लोग भी इनके इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मानते हैं, उसको हम सन बोलेंगे, ठीक है. तो द सन्स ऑफ रामागुरु मीन्स कि रामागुरु के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशन है, उनको फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे किसके सन्स हैं, किन के बच्चे हैं, वो रामागुरु के बच्चे हैं, ठीक है. इतना सबको क्लियर है. तो चलिए अब हम लाइन वाइज समझते हैं इसको. टू द सन्स ऑफ रामागुरु, यानी किसको कही जा रही है ये बात, रामागुरु के सन्स को, यानी उनके फॉलोअर को. लाफ्टर इज़ टैबू, जो हंसी है वो क्या है, एक टैबू है, यानी अलाउ नहीं है, वो बैन हो रखी है, मना किया गया है हंसने के लिए. अ फनी टेल विल मेक दैम वेल, वी आर नॉट अम्यूज्ड बू हू. अब यहाँ पे जो भी अगर हम उनको फ़नी कहानी भी सुनाएंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा हंसी मजाकिया वाली बात भी होगी, वो चीज़ भी उनको विलाप करने के लिए मजबूर कर देगी, यानी वो हंसी वाली चीज़ सुनने के बाद भी वो नहीं हंस रहे हैं और उदास हो जाते हैं. वी आर नॉट अम्यूज्ड, अब ये बात कौन कह रहे हैं, जो सन्स हैं रामागुरु के, वो कह रहे हैं कि वो अभी भी इस फनी टेल को सुनने के बाद भी अम्यूज्ड नहीं हुए हैं.
मतलब कि फनी टेल सुनने के बाद भी वो नहीं हंसे, जो भी उनके प्रिंसिपल हैं उनको उन्होंने कायम रखा। नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा, दे लिव इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ चकल्स फार एंड नियर। अब वो हर वक्त इसी डर में रहते हैं कि कहीं कोई उनको हंसा ना दे, वो कहीं किसी के बातों पे हंस ना दे, ये डर उनको हमेशा ही रहता है। एंड स्टार्ट एंड बाउंड एट एवरी साउंड दैट ब्रिंग्स अ ब्रेथ ऑफ चीयर। और फिर क्या करते हैं, अपने आप को घेर देते हैं हर चीज़ से, ऐसे घेर देते हैं जैसे कि किसी भी सांस, किसी अगर कोई हवा भी आ रही है, किसी की सांस भी आ रही है, तो उसमें जो खुशी है वो उनके साथ ना आ जाए उनके पास, और जिससे कि वो हंसने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए। थर्ड स्टांजा है हमारा, देयर पीस ऑफ माइंड फॉर फिटिंग दे सिट एंड कीप रिपीटिंग वी बिलीव इन ओनली ग्रीविंग हैप्पीनेस इज फ्लीटिंग। अब क्योंकि वो रामा गुरु के सन्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके रूल्स फॉलो करते हैं, तो इसलिए उनका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिप्राइव हो रखा है खुशी से, और वो बैठ के एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, वो क्या कि वी बिलीव इन ओनली ग्रीविंग, कि हम सिर्फ दुख ही मनाने में ही विश्वास रखते हैं, शोक मनाने में ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ फ्लीटिंग, क्योंकि खुशी जो है वो ज़िंदगी में ज़्यादा देर नहीं रहती। हम ह्यूमंस खुशी को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते बल्कि दुखी को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, और जब हम खुश रहते हैं और बीच में कोई बात ऐसी आ जाए जिससे हम दुखी हो जाए, तो हमें बहुत दिक्कत होती है उस बात से निकलने में। तो इससे अच्छा है, क्योंकि अगर हैप्पीनेस जो है वो फ्लीटिंग का मतलब होता है भागना, यानी हमारी ज़िंदगी में खुशी तो आती है, खुशी के पल हैं लेकिन थोड़े से हैं और वो भाग जाते हैं, यानी जल्दी से खुशी के जो भी पल है वो गुजर जाते हैं और क्या बचता है, सिर्फ दुख। तो अगर एंड में भी हमें दुखी ही रहना है तो क्यों ना हम पहले से ही दुखी रहें, खुशी को क्यों फील करें। ऐसा किसका मानना है, जो रामा गुरु के सन्स हैं उनका मानना है, और वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हमेशा शोक मनाते रहना चाहिए और कभी भी हंसना नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं। चलिए फोर्थ स्टांसा है हमारा, दे शन द समर ब्रीज दैट विस्पर्स थ्रू द ट्रीज फॉर फियर द स्टेर ऑफ लीफ एंड बट देयर फनी बोन्स शुड टीज। अब शन जो वर्ड है इसका मतलब होता है छोड़ देना। दे शन द समर ब्रीज दैट विस्पर्स थ्रू द ट्रीज। अब देखो, हम जो नॉर्मल इंसान है, हमारे लिए वसंत का मौसम बहुत अच्छा होता है ना, हम कहते हैं कि कितना सुहावना मौसम होता है, अच्छी अच्छी हवाएं आती है, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो इन सब में हमें एक खुशी नज़र आती है, हम इन सारे चीज़ों को देख के खुश हो जाते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है इतना सुंदर मौसम होता है, हवाएं चल रही होती है, बहुत सुहावना मौसम होता है, और फिर हम उसको देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो सन ऑफ रामा गुरु हैं ये इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, ये हवाओं से भी बचते हैं, जो समर के ब्रीज है दैट विस्पर्स थ्रू द ट्रीज, जो कि ट्रीज से गुजरती हुई आती हैं, तो ये इन सारी चीज़ों से बचते हैं, निकलते हैं उनसे बचते हैं, यानी कहीं वो खुश ना हो जाए इन सारी चीज़ों को देख के, इसलिए वो इन सब से बच के रहते हैं। फॉर फियर द स्टिर ऑफ लीफ एंड बर देयर फनी बोन शुड टीज। तो वो इन सारी चीज़ों से बच के रहते हैं, जो भी समर ब्रीज होती हैं, जो भी हवाएं चलती हैं, जो कि पेड़ों को छूकर आती है हमारे पास, जो भी पत्ते आवाज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ों से बचते हैं, ताकि उनको ये सब देख के, ये सब महसूस करके कहीं उनके चेहरे पे खुशी ना आ जाए, स्माइल ना आ जाए। अगला स्टांसा है हमारा, दे कीप अ वेरी आई ऑन द ऑटम स्काई फॉर साइंस ऑफ मर्थ अबव द अर्थ इन फॉर्मिंग क्यूमुलाई। अब देखो, वो इस चीज़ पे भी बहुत गौर करते हैं, आसमान में देखते हैं बादलों को, ये जो वर्ड है ना क्यूमुलाई, इसका मतलब होता है क्लाउड्स, जो भी नए नए तरीके के जो भी शेप्स बनाते हैं उसका मतलब होता है, ठीक है, क्यूमुलाई जो भी शेप बनाते हैं ना क्लाउड्स, तो उसको कहते हैं। तो ये जो सन ऑफ रामा गुरु है, ये ऑटम के सीज़न में जब पतझड़ का मौसम होता है तभी आसमान में देखते हैं कि कहीं साइंस ऑफ मर्थ, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खुशी की साइन जो है वो हमें दिख जाए, यानी जो बादल है, जो क्यूमुलाई है, वो कहीं ऐसा शेप ना बना ले जिससे कि उन्हें हंसी आ जाए, तो वो इस चीज़ को भी देखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ उनको दिख गई और अगर उन्होंने हंस दिया तो उनके जो रूल्स हैं वो टूट जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, तो वो इन सब को पहले से ही देख के चल रहे हैं कि कहीं उनको क्यूमुलाई तो नहीं दिख रहा जिससे कि उनको हंसी आ जाए। अगला स्टांसा है हमारा, द डार्कनेस ऑफ द नाइट ब्रिंग्स देम नो रेस्पाइट एज फायर फ्लाइज एक्सटेम्पराइज देयर डांसेस ऑफ डिलाइट। अब देखो, इनको रात के अंधेरे में भी चैन नहीं है, क्यों, क्योंकि अब इनको ये भी डर लग रहा है कि अगर उन्होंने फायर फ्लाइज को देख लिया, जो जुगनू होते हैं और वो अपना ही डांस कर रहे हैं, ठीक है, खुशी में मगन होके जो भी
हैं वो फायरफ्लाइज वो डांस कर रहे हैं, तो अगर ऐसे में इनकी नज़र उन पे चली गई, क्योंकि वो तो वैसे ही ब्यूटीफुल दिखते हैं, उनके अंदर लाइट जलती है जुगनू, ठीक है, तो ब्यूटीफुल तो वो वैसे ही दिख रहे हैं, तो ये एक हैप्पीनेस का साइन है, तो इसलिए उनको डर लग रहा है कि अगर रात के अंधेरे में उन्होंने फायरफ्लाइज को देख लिया और अगर उन्होंने हंस दिया तो क्या होगा, जो उनके रूल्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके, वो तो खराब हो जाएंगे, इसलिए उनको रात के अंधेरे में भी राहत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, दोज ऑफ यू हु आर जॉली एंड फील टू वो इज फॉली मस्ट नॉट रिफ्यूज द रामा गुरुज देयर राइट टू मेलनकली। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लोग जो लोग खुशी मनाते हैं और जिनको लगता है कि शोक मनाना एक मूर्खता, एक बेवकूफ़ी है, तो वो बिल्कुल भी रामा गुरु के जो राइट्स हैं उनको नहीं मना सकते, क्योंकि रामा गुरु के राइट क्या है कि उनको उदास रहना है, मेलनकली बिहेवियर है पूरा, यानी उदास रहना है, बिल्कुल भी नहीं हंसना, शोक मनाना है, तो ये सारे किसके राइट्स हैं, रामा गुरु के और उनके सन्स के, उनके फॉलोअर के। ओके, सो लास्टली द रामा गुरुसियन लायर ब्रेफ्ट्स ऑफ सन एंड एयर इज डूम्ड टू बी अ मोनेस्ट्री ऑफ परमानेंट डिस्पेयर। अब जो भी रामा गुरुसियन है, यानी जो भी उनके फॉलोअर हैं, जो भी इन सारे प्रोटोकॉल्स को मानते हैं, जो भी फॉलो करते हैं, वो क्या समझते हैं कि ये भी एक सन और एयर जो हैं, ये भी एक खुशी के पल हैं, इनसे भी दूर रहना चाहिए, ठीक है, तो ये एक अपराध है कि अगर वो सन और एयर के कांटेक्ट में आ गए हैं तो ये भी उनके लिए एक अपराध है, बिकॉज दिस इज़ आल्सो अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, सो दैट्स व्हाई दे प्रेफर टू स्टे अवे। और फिर वो क्या करते हैं, निराशा को हमेशा दुखी रहने के लिए, कभी उनको कोई खुशी जो है वो डिस्टर्ब ना करे, हमेशा दुखी रहें, हमेशा शोक मनाएं, तो वो क्या करते हैं, मोनेस्ट्री में चले जाते हैं परमानेंट डिस्पेयर के लिए। मोनेस्ट्री का मतलब होता है एक तरीके का आश्रम या फिर मठ कह लो, जिसमें कि इनका पूरा ग्रुप रहता है, किस लिए, ताकि उनको कोई हैप्पीनेस जो है वो डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, परमानेंट डिस्पेयर यानी हमेशा के लिए वो निराश ही रहें, दुखी ही रहें। तो जो रामा गुरु हैं, यानी एक फिक्शनल कैरेक्टर, यानी नकली कैरेक्टर है, और इनके क्या क्या रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं कि हमेशा निराश ही रहना है और कभी भी किसी भी बात पे हंसना नहीं, अगर कोई कोशिश करे हंसाने की तो उनसे दूर हो जाना है, और ऐसी जो भी नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हमें खुश कर सकती हैं, जैसे पेड़ हो गई, हवाएँ हो गई, या फिर सूरज की किरणें हो गई, या फिर चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जो भी चीज़ें हैं, मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहना है जो भी आपको खुश कर देती हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो रामा गुरु हैं उनका मानना ये है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसमें हम दुख को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं खुशी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो हम दुख ही ज़्यादा रहते हैं अपनी ज़िंदगी में और खुश बहुत कम रहते हैं, और खुश रहने के बाद अचानक से जब हम दुख को फेस करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय पर, तो इसलिए हमें खुश रहना ही नहीं है, उनका क्या है कहना कि हमें खुश रहना ही नहीं है, हमें सिर्फ दुखी रहना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को इजीली स्पेंड करें। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है सन, वो किसके लिए है, वो उनके फॉलोअर्स के लिए, जो भी उनको मानते हैं, जो भी उनके रूल्स मानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये वीडियो, ये पोयम एंड हो गया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। And please do subscribe my channel and share this video with your friends as well so that they can get help from it. And till we meet in the next video, keep learning. Bye-bye.